हाय फ्रेंड्स, बच्चों आज हम अलंकार प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करे, जो सौंदर्य में अभिवृद्धि करे वह अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार कटक कुंडल हार आदि शरीर के सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाले होते हैं बच्चों, उसी प्रकार काव्य में भी कुछ ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जो काव्य के उत्कर्ष का आधान करने वाले होते हैं, और ये तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार किस में होते हैं हमें ये पता करना है, अलंकार कहाँ होते हैं। तो बच्चों, अनेक आचार्यों ने काव्य रूपी पुरुष के शरीर के रूप में शब्द और अर्थ का वर्णन किया है। ये शब्द और अर्थ काव्य रूपी पुरुष का शरीर होते हैं, और इस काव्य रूपी शरीर अर्थात शब्द और अर्थ के सौंदर्य में जिस तत्व से वृद्धि होती है, या जो तत्व इनके सौंदर्य में या इनके उत्कर्ष का आधान करने वाले होते हैं, ये अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार कौन होते हैं बच्चों? अलंकार शब्द और अर्थ के उत्कर्ष का आधान करने वाले होते हैं। तो शब्द और अर्थ के उत्कर्ष के आधायक तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य में विद्यमान अलंकार का लक्षण विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग ढंग से दिया है। जैसे आचार्य मम्मट ने अलंकार का लक्षण करते हुए कहा, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारास्ते अनुप्रासो उपमादयः। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण प्रयुक्त हुए हैं, अनुप्रास उपमादयः। हम यही समझ लेते हैं काव्य प्रकाशकार ने अनुप्रास के माध्यम से शब्दालंकार के लिए कहा है, तथा उपमा के द्वारा अर्थालंकार का वर्णन किया है। इसी प्रकार दंडी ने अलंकार के लिए कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात जो काव्य की शोभा को करने वाले धर्म है अथवा तत्व है अलंकारों को कहते हैं। तो अलंकार कौन है बच्चों? अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म या तत्व होते हैं, और ये अलंकार तीन प्रकार के कहे गए हैं। नंबर एक शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार, नंबर तीन उभयालंकार। शब्दालंकार के विषय में बताती हूँ। शब्दालंकार का अर्थ है जो शब्द में विद्यमान सौंदर्य है, जहाँ शब्द के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, काव्य की शोभा बढ़ती है। जैसे धरा शब्द के द्वारा सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में धरा शब्द के स्थान पर अन्य किसी शब्द जैसे वसुधा आदि को रख दिया जाए और काव्य में विद्यमान सौंदर्य की प्रतीति नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ शब्दालंकार ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शब्द विशेष के द्वारा काव्य का उत्कर्ष हो रहा है। तो बच्चे समझ में आ गया शब्दालंकार कहाँ होता है? शब्दालंकार में शब्द विशेष की स्थिति रहना आवश्यक है। उस शब्द विशेष को यदि हटा दिया जाता है और उस उत्कर्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वहां शब्दालंकार नहीं होगा। शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दालंकार में शब्द परिवृत्ति को सहन नहीं किया जाता, अर्थात वहां शब्द का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आता है बच्चों अर्थालंकार। अर्थालंकार में यदि किसी शब्द विशेष का परिवर्तन करके भी उत्कर्ष की अनुभूति हो रही है, सौंदर्य की अभिवृद्धि हो रही है, अर्थालंकार होता है, और जहां पर दोनों ही स्थिति विद्यमान हो वहां उभयालंकार होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया
शब्द अलंकार में शब्द विशेष की स्थिति रहनी चाहिए तथा अर्थालंकार में शब्द परिवर्तन के बाद भी यदि उत्कर्ष की प्रतीति हो तो वहां पर अर्थालंकार होता है। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं शब्दालंकार अर्थात शब्द विशेष पर आश्रित अलंकार। तो बच्चों आज का हमारा शब्दालंकार है अनुप्रास है। अनुप्रास का लक्षण है अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दिया गया अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। बच्चों संस्कृत बहुत आसान है, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अनुप्रास है अलंकार है भवति कुत्र। अनुप्रास अलंकार होता है कुत्र, यत्र शब्द साम्यम भवति, जहां पर शब्दों की समानता होती है। वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, परंतु अत्र स्वरस्य यदि विषमता अस्ति स्थितौ अपि अनुप्रासो भवति। पुनः मैं आपको बता देती हूँ, जिस श्लोक में स्वर की विषमता होने पर भी शब्द की समानता विद्यमान हो उस श्लोक अथवा उस काव्य में अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, आ गया। तो यहाँ हम इसे और सरल भाषा में समझते हैं। शब्द किसे कहते हैं बच्चों? शब्द बराबर स्वर और व्यंजनों का सार्थक समूह। शब्दों की साम्य भाव का क्या अर्थ है? स्वर तथा व्यंजनों का समान रूप से होना। तो नंबर एक तो हो गया कि जहां पर स्वर तथा व्यंजनों की समानता हो, क्यों? क्योंकि शब्द साम्य है। जहां स्वर और व्यंजन का साम्य है वहां अनुप्रास होगा। परंतु तभी एक और कंडीशन लगा दी, एक और नियम लागू हो गया, एक स्थिति और उत्पन्न हो गई, वैषम्य अपि स्वरस्य। यदि शब्दों की समानता में यदि स्वरों की विषमता है, स्वर समान नहीं है, तो भी वहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो हम इसे ऐसे समझते हैं, देखो बच्चों, शब्दों की समानता, परंतु स्वरों की यदि विषमता है तथा व्यंजनों की समानता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां अनुप्रास अलंकार होगा। आगे समझ में, अनुप्रास अलंकार कहाँ होगा? जिस श्लोक में स्वरों की विषमता के होने पर भी शब्दों की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन मात्र का सादृश्य और वह काव्य के अनुरूप रसादि तथा गुण आदि में उत्कर्ष करने वाला होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं बच्चों। लता कुंजम गुंजन मद वदली पुंजम चपलयन समालिंगन नंगम द्रुतरम अनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन कीर्ति मकरंदम दिशि दिशि। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने पढ़ा है कि स्वरों की विषमता हो और व्यंजन मात्र का सादृश्य हो, परंतु इस श्लोक में बच्चों स्वर तथा व्यंजन दोनों का सादृश्य प्राप्त हो रहा है। जैसे पहले चरण में यंजम यंजम का साम्य प्राप्त हो रहा है, दूसरे चरण में नंगम नंगम का प्राप्त हो रहा है, तीसरे में नंदम नंदम का है तथा चतुर्थ में दश दश का साम्य प्राप्त हो रहा है। यद्यपि यहाँ पर इस स्वर का भी साम्य विद्यमान है, यहाँ पर चारों चरणों में विद्यमान ये सभी वर्ण श्रृंगार रस के अनुरूप माधुर्य गुण में उत्कर्ष करने वाले हैं, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। बच्चों अनुप्रास अलंकार
दो प्रकार का होता है। नंबर एक छेक अनुप्रास, जिसमें अनेक वर्णों का एक ही बार साम्य होता है, तथा नंबर दो लाटानुप्रास, जिसे वृत्यानुप्रास भी कहते हैं। इस अनुप्रास में अनेक वर्णों का एक बार या अनेक बार साम्य होता है। सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, पूर्व मीन्स वह पहले वाला, अर्थात छेकानुप्रास। इसमें अनेकस्य अनेक वर्णों का सकृत एक बार साम्य होता है। ठीक है बच्चों, अनेक वर्णों का एक बार साम्य होता है। तथा वृत्यानुप्रास या पदानुप्रास, अथवा इसे लाटानुप्रास भी कहते हैं, यह पांच प्रकार का होता है। लाटानुप्रास में अनेक पदावृत्ति होती है, एक पदावृत्ति हो सकती है, भिन्न समासावृत्ति हो सकती है, अथवा समास असमास आवृत्ति हो सकती है। इस प्रकार से यह पांच प्रकार का होता है। लाटानुप्रास में बच्चों एकस्य अपि असकृत पर है, अर्थात इसमें एक वर्ण या अनेक वर्णों का अनेक बार से साम्य होता है। जैसे हम इसे उदाहरण से देखते हैं बच्चों, यस्य न सविधे दयिता दव दहनस तुहिन दिधितिस्तस्य, यस्य च सविधे दयिता दव दहनस तुहिन दिधितिस्तस्य। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों अनेक पदों की आवृत्ति हुई है, तो इस प्रकार यहाँ पर लाटानुप्रास है। आज हमने शब्द अलंकार का महत्वपूर्ण भेद अनुप्रास अलंकार पढ़ा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बच्चों हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। थैंक यू।